नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Redmi Note 9 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो नोटिफिकेशन रिंगटोन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी गाने होंगे आपके सिस्टम की तरफ से आपको दिए गए हैं वो सभी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको कैटेगरी वाइज लगाना है, जैसे भक्ति सॉन्ग लगाना है, रोमांस लगाना है, पार्टी लगाना है या फिर हिंदी और पंजाबी लगाना है तो इन सब में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं भक्ति वाला लगा दूंगी तो इस पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है तो ये गाना बजना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर बेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नोटिफिकेशन पे लगाना है या टेक्स्ट मैसेज पे लगाना है तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे लगाना चाहती हूँ तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस टाइप से आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन की सेटिंग हो जाती है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।